ऐसी गर्मी में ब्लॉग बनाना एक चुनौती पूर्वक काम था, लेकिन दोस्तों यहाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द बुंदेली राइडर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों अपने बुंदेलखंड की एक और पवित्र धरा पर, जिसे हम सभी चित्रकूट नाम से जानते हैं। चित्रकूट दोस्तों, जहां पर भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष की वनवास के दौरान 11.5 वर्ष इसी जगह पर व्यतीत किए। कह सकते हैं चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। ये दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे रामघाट, और इसे चित्रकूट का हृदय स्थल कहा जाता है। हमारी यात्रा दोस्तों इसी रामघाट से प्रारंभ होगी और इसी रामघाट पर रात को खत्म होगी। रामघाट दोस्तों चित्रकूट का वही पावन घाट है, जहां पर तुलसीदास जी बैठकर चंदन घिसा करते थे और प्रभु श्री राम को तिलक किया करते थे। चित्रकूट का ये वही पावन घाट है जहां पर पौराणिक कथाओं के राजा नल और रानी दमयंती का मिलन हुआ। और यहां पर दोस्तों छोटे बड़े मंदिरों को मिलाकर लगभग 30 से 35 मंदिर रामघाट पर ही स्थित हैं। रामघाट के अलावा चित्रकूट में और भी बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, जैसे कि कामतानाथ की यात्रा, जो संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है कामतानाथ की यात्रा। इसके साथ साथ सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप के साथ साथ और भी कई दार्शनिक स्थल यहां पर स्थित हैं, जो चित्रकूट को एक पावन तीर्थ क्षेत्र बनाते हैं। चित्रकूट का हृदय स्थल रामघाट, श्री राम का रामघाट, तुलसीदास का रामघाट, भक्तों का रामघाट और मंदाकिनी मैया का रामघाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ रात का दृश्य है रामघाट का, इस प्रकार का रहता है। और सामने वहाँ पर लेजर शो डेली आयोजित किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग लेजर शो की तरफ चलते हैं। दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पास से देखते हैं किस प्रकार से जो लेजर शो है वहाँ पर किस प्रकार से आप देखें क्या क्या उसमें हमें दिखाई पड़ेगा। ये है दोस्तों लेजर शो रामघाट पर, जो यहाँ पर डेली आयोजित किया जाता है। बहुत मस्त यहाँ पर नजारा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो पानी की फुहार होती है उस फुहार के ऊपर लेजर को यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं प्रोजेक्टर आप पीछे चलता हुआ देख पा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से लेजर बीम्स निकलती हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। हालांकि बैकग्राउंड जो म्यूजिक है कॉपीराइट की वजह से ज्यादा नहीं दिखा सकते।